मैं रोहिणी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। वैलेंटाइंस डे हो या स्पेशल पर्सन का बर्थडे हो या फिर डेजर्ट क्रेविंग हो, रेड वेलवेट चीज केक सबका फेवरेट होता है। तो आज हम रेड वेलवेट चीज केक बनाने वाले हैं। सॉफ्ट स्पॉन्जी परफेक्ट टेक्सचर वाला वाइब्रेंट रेड कलर वाला केक बनाएंगे और उसके साथ ही क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का बेकिंग ट्रे लिया है। ये हो गया बेकिंग ट्रे रेडी। अब केक बैटर बनाते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ट्रेडिशनली रेड वेलवेट केक बनाने के लिए थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड किया जाता है, पर उससे क्या होता है केक का शेड हल्का सा मरून आ जाता है। तो मुझे एकदम वाइब्रेंट रेड कलर चाहिए, तो मैं कोको पाउडर कंप्लीट स्किप कर रही हूँ। रेड वेलवेट केक सॉफ्ट स्पॉन्जी और टेस्टी तो बन ही जाएगा, पर उसके साथ ही इसका परफेक्ट टेक्सचर होना चाहिए ताकि हम रेड वेलवेट पाउडर बना सके। तो रेसिपी को बिना स्किप करे एंड तक देख लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा, 3/4 कप पाउडर शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर छान ली है। इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। तो ये है 1/2 कप तेल और 1/2 कप बटर मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। क्या होता है, तेल से केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और बटर से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा इस केक के लिए तेल और बटर मिक्स करके दोनों मिला के 1/2 कप ले लेती हूँ। उसके बाद ये है 1/2 कप दूध। मेक श्योर कि ये रूम टेम्परेचर पे हो। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। इन सबको पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रेड वेलवेट जेल कलर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्या होता है, कलर अगर ठीक से मिक्स नहीं हुआ तो बेक होने के बाद केक में अलग अलग शेड दिखेंगे, तो इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है। तो कलर भी अभी मिक्स हो गया है। अब ठीक से कलर मिक्स होने के बाद ये लास्ट स्टेप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर देती हूँ। जैसे ही विनेगर ऐड करेंगे इसे फटाफट अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे भी विनेगर अगर बैटर में इवनली मिक्स नहीं हुआ तो केक कुछ कुछ जगहों पर स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो ये हो गया परफेक्ट बैटर तैयार। अब इसे मैं 180 डिग्री पर 25 मिनट्स के लिए बेक कर देती हूँ। अब केक बेक हो रहा है, तब तक फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पे मैं रिच का व्हिप टॉपिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फ्रीजर में स्टोर किया हुआ था, इसे 2 घंटे पहले मैंने निकाल के पूरा इसे पतला होने दिया। तो पतला होने के बाद मैंने क्या किया, व्हिप क्रीम बनाने के जस्ट 10 मिनट पहले मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। तो इस्तेमाल करने के पहले ये एकदम चिल्ड होना चाहिए। और व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए जो बर्तन मैं लेने वाली हूँ उसे और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के ब्लेड्स को 1/2 घंटे पहले मैंने फ्रीजर में रख दिया था। तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी व्हिप्ड क्रीम बन नहीं पाती, तो अगर आप इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके व्हिप्ड क्रीम बनाएं तो एकदम मार्केट जैसी व्हिप्ड क्रीम बन जाएगी। तो इस केक के लिए 1 कप चिल्ड व्हिप टॉपिंग लिया है मैंने। अब इसे बना लेते हैं। जैसे ये पैटर्न बन जाए समझ लेना व्हिप्ड क्रीम बन गई है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि अरे व्हिप क्रीम बन गई कि नहीं, तो बर्तन को हल्का सा उल्टा करके देख ले। मैं तो पूरा ही उल्टा कर देती हूँ, तो इस तरह से बर्तन को उल्टा कर दे, बिल्कुल भी क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। तो इसका मतलब व्हिप क्रीम एकदम परफेक्ट बनी है।
इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब दूसरे बर्तन में 250 ग्राम क्रीम चीज निकाल लेंगे। ये भी एकदम चिल्ड है। इसमें जाएगा आधा कप पाउडर शुगर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, और इसे मैं पहले चम्मच से मिक्स कर दूंगी। क्या था, ये फ्रिज में था तो थोड़ा सा गाढ़ा बन गया है। ये हो गया मिक्स। अब इसे लाइट होने तक ब्लेंड कर लेंगे। अब ये क्रीम चीज का मिश्रण भी रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, जितना क्रीम चीज है उसके हाफ द क्वांटिटी में व्हिप्ड क्रीम ऐड कर देंगे। व्हिप्ड क्रीम हाफ से कम डाल दिया तो चलेगा, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अब इसे कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मिक्स कर देंगे। ये हो गया चीज क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार। अब ये रहा हमारा केक। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद केक को मैंने 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये केक स्लाइस करने के लिए जो स्पेशल नाइफ आता है ना, वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसकी सहायता से क्या करेंगे, ये ऊपर का जो लेयर है उसे हम पहले कट कर लेंगे। ये निकाल दिया। अब ये जो केक है इसे बीच में स्लाइस कर लेंगे। ये मैंने शुगर सिरप बना के रखा था, इसे केक के ऊपर स्प्रे कर लेंगे। मेरे पास एक्चुअली स्प्रे बॉटल नहीं है, तो इसे हाथ से स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे क्या होगा, केक एकदम सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बन जाएगा। अब इसके ऊपर जाएगा चीज क्रीम फ्रॉस्टिंग। अब इसे स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर और एक लेयर व्हिप्ड क्रीम का मैं ऐड कर देती हूँ। वैसे आप सिर्फ चीज क्रीम फ्रॉस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन चीज क्रीम फ्रॉस्टिंग और व्हिप्ड क्रीम दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दूसरा लेयर व्हिप्ड क्रीम का ऐड कर दिया मैंने, और अब ये जाएगा ऊपर जो कट करके रखा हुआ था वो केक स्लाइस। अब फिर से शुगर सिरप स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब इसके ऊपर फिर से जाएगा चीज क्रीम फ्रॉस्टिंग। पूरा चीज क्रीम फ्रॉस्टिंग से हम केक को कवर कर लेंगे। अब ये हो गया फर्स्ट राउंड ऑफ कोटिंग, मतलब क्रम्बल कोट। और इसे अब मैं 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब ये जो ऊपर का लेयर निकाल के रखा था, उसमें से डेकोरेशन के लिए 2 हार्ट्स निकाल लेते हैं, कुछ वैलेंटाइन स्पेशल बना लेते हैं। चलो अब फॉक की सहायता से इस तरह से केक क्रम्स निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि इस केक का टेक्सचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टेक्सचर परफेक्ट है तो ही आप ये क्रम्बल्स निकाल सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर केक मॉइस्ट हो जाएगा तो ये निकल नहीं पाएंगे अच्छे से। अब इन क्रम्बल्स को थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि क्या होगा, इसमें जो हल्का सा मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, ये थोड़े से ड्राई बन जाएंगे। ये फ्रिज में जाएगा, तब तक बाकी का काम कर लेंगे। अब केक का फर्स्ट लेयर सेट हो गया है, इसके ऊपर चीज फ्रॉस्टिंग का सेकेंड कोट कर लेंगे। अब ये हो गया रेडी, इसे साइड में रख देंगे। अब केक क्रम्स हल्के से ड्राई हो गए हैं, इन्हें इस तरह से छान लेंगे। क्या होगा, छानने से एकदम फाइन वेलवेट वाला टेक्सचर मिल जाएगा। क्रम्स साइड से चिपका देंगे, एकदम सिंपल, कोई भी आसानी से बना देगा, ऐसा ये केक डेकोरेशन है।
है बहुत सिंपल, लेकिन दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। अगर आपने मार्केट से रेड वेलवेट केक इसके पहले मंगाया है तो बिलीव मी, ये घर का केक मार्केट के केक से बहुत यम्मी और टेस्टी लगेगा। ऊपर से हल्के से रेड क्रम स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत ही सुपर्ब दिखेगा उससे। और ये दो हार्ट्स जो कुकी कटर से कट करके रखे थे, वाओ, दैट्स इट। चाहिए तो ऊपर से थोड़े से एडिबल सिल्वर बॉल्स रख देंगे, सुपर्ब। अब इसे कट भी कर लेंगे, चलो। वाओ, सुपर डिलीशियस, सॉफ्ट क्रीमी मेल्ट इन माउथ केक इज रेडी। तो बनाएंगे ना आप भी? तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बनाने में बहुत ही आसान है, बिलीव मी, मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, बट फिर भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बन जाती है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। सोच क्या रहे हो? तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।